सो हाय एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पोर्ट्रेट का आउटलाइन कैसे ड्रॉ करें। तो इस वीडियो में हम जो बेसिक शेडिंग्स हैं उसके बारे में जानेंगे और थोड़ी बहुत शेडिंग भी करेंगे यहाँ पर पोर्ट्रेट के। तो डार्क शेडिंग करने से पहले ये ध्यान रखिए कि पेपर पे आपको एक बेस लेयर देनी है। अगर आप चारकोल से कर रहे हैं तो चारकोल पाउडर दे सकते हैं, और ग्राफाइट से कर रहे हैं तो या तो आप ग्राफाइट पाउडर यूज़ कर सकते हैं या फिर जो हल्की पेंसिल है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। पेंसिल शार्प करते वक्त उससे थोड़ा बहुत ग्राफाइट पाउडर भी निकलता है, तो मैं उसी का इस्तेमाल करूँगा बेस लेयर देने के लिए। मैं एक पेंट ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ जो ग्राफाइट जो है उसको अप्लाई करने के लिए। फिर इसको मैं टिश्यू पेपर से ब्लेंड कर लूँगा। फिर हम पेंसिल लेके हल्के हल्के हाथों से सबसे पहले तो हैचिंग करेंगे, उसके बाद जाके जो डार्क पेंसिल है उसका इस्तेमाल करेंगे और फिर दोनों लेयर को ब्लेंड कर देंगे। तो जब आप इस तरीके से हैचिंग कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि सबसे पहले तो जो हल्का वाला पेंसिल है उसका इस्तेमाल करें, यानी कि जो 2B है या फिर 3B 4B जो भी है, और फिर जाके आप 6B 8B या फिर 10B का इस्तेमाल करें। क्योंकि तो इससे होता क्या है कि जो आपको बाद में ब्लेंड करने में इससे आसानी होती है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा रेफरेंस इमेज है उसमें ग्रेडियंट है, मतलब कि डार्क से लाइट लाइट आपको पता चल रहा है कि कुछ लेयर्स हैं इसमें। तो इसी तरीके से अगर हम हल्के पेंसिल से डार्क पेंसिल तक जाएं तो इस तरीके से ग्रेडियंट ला सकते हैं। फिर इन सभी को ब्लेंडिंग करने के लिए आप चाहे तो ब्लेंडिंग स्टम्प का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर सबसे पहले तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप ब्रश का इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे जो ग्राफाइट है वो इवनली स्प्रेड हो जाता है, और उसके बाद जाके आप टिश्यू पेपर या फिर ब्लेंडिंग स्टम्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था कि पहले हमें लाइट पेंसिल यूज़ करनी है फिर जाके हमें डार्क पेंसिल यूज़ करनी है, तो यहाँ पे मैं जो 10B है उसका ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। हालांकि जो लीड है वो टूट गई थी तो मैं सिर्फ उस ग्राफाइट का इस्तेमाल कर सकता हूँ, पर आप पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पेपर पे क्योंकि पहले से ही ग्राफाइट मौजूद है तो मुझे मतलब ब्रश से उसको फिर से स्प्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं सिर्फ टिश्यू पेपर का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर ब्लेंड करने के लिए। तो जो हमारा बैकग्राउंड है वो आधा रेडी हो चुका है, मतलब कि एक साइड का, तो दूसरी साइड पे भी मैं ऐसे ही करूँगा। बैकग्राउंड रेडी होने के बाद आप नेक्स्ट लेयर पे आ सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर जो हैंड्स हैं हम उसको बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर भी पिछली बार की तरह हम सबसे पहले तो वो लाइट पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे एक बेस लेयर देने के लिए, फिर धीरे धीरे जो डार्कर एरियाज हैं उनके लिए हम जो डार्क पेंसिल्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। ब्लेंडिंग करने के लिए हम ब्रश का इस्तेमाल करने वाले हैं, आप चाहे तो ब्लेंडिंग स्टम्प का भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
और जो हाईलाइट्स हैं उनके लिए मैं नीडेड इरेजर और जो मोनोजेल इरेजर है उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो बैकग्राउंड के लिए जैसे हमने लेयर बाय लेयर काम किया था, यहाँ पे भी हम सेम लेयर बाय लेयर ही काम करेंगे। मतलब कि पहले लाइट पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, फिर जाके डार्क पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर 10V का इस्तेमाल ही कर रहा हूँ जो डार्क एरिया से उसके लिए, और फिर जाके हम उसको ब्लेंड कर सकते हैं। आपको जितना हो सके शार्प लाइन्स को अवॉइड करना है, क्योंकि इससे आपका पोर्ट्रेट थोड़ा ख़राब हो सकता है और उतना रियलिस्टिक नहीं लगेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे चेहरे में या फिर बॉडी में सिर्फ लाइन्स नज़र आती हैं, तो आपको इस चीज़ का भी अच्छे से ध्यान रखना है। इसका मतलब ये है कि आपको अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। जितना आप अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे पोर्ट्रेट उतना ही रियलिस्टिक बन के आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं मोनोजेरो इरेजर का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ हाईलाइट्स के लिए। आप चाहें तो नीडेड इरेजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो जो होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट इरेजर होता है, और जो मोनोजेरो इरेजर में जो यूज़ होता है वो थोड़ा हार्ड इरेजर होता है, तो इससे अच्छे से हम हाईलाइट कर सकते हैं। नीडेड इरेजर का इस्तेमाल सिर्फ वहाँ पर कीजिए जहाँ पर आपको मिड टोन चाहिए, यानी कि ना ज़्यादा डार्क हो या फिर ना ज़्यादा लाइट हो, तो उस जगह पर आप इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा एरिया कवर करनी है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हार्ड इरेजर का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि उससे होता ये है कि आपको एक प्योर वाइट टेक्सचर आता है। तो अगर आपको एकदम पूरा हाईलाइट वाला एरिया चाहिए तब जाके आप हार्ड इरेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि जो रेगुलर इरेजर आते हैं वो सब। अगर आपको लगे कि आपने कुछ ज़्यादा ही इरेज कर दिया है तो आप ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लेंड करने के लिए, तो उससे होता है कि आपको एक मिड टोन अच्छे से मिल जाता है, मतलब कि जो आपको प्योर वाइट है जो कि डार्क एरिया के पास होते हैं, तो ब्लेंड करने से आपको एक मिड टोन मिल जाता है उससे। तो दूसरे फिंगर्स के लिए भी मैं सेम टेक्निक ही यूज़ करने वाला हूँ। पहले लाइट पेंसिल, फिर डार्क पेंसिल, फिर ब्लेंडिंग, और फिर जाके मैं हाइलाइट्स के लिए जो इरेजर है उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें जो एक पोर्ट्रेट है उसको फिनिश करने वाले हैं और फेस की शेडिंग करने वाले हैं। पेन कैसे ड्रॉ करना है ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उसको देखने के लिए आप लेफ्ट साइड में क्लिक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको करने के लिए आप राइट साइड में क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।